अब सुनो बुंदेली समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु में कल 7 और 8 अगस्त को आयोजित 2 दिवसीय इन्वेस्टर रोड शो में उद्योगपतियों से संवाद कर रहे हैं। राज्य की विकास योजनाओं में नवीन तकनीक की सहायता लेने और उपयोग बढ़ावे के लाने मध्य प्रदेश पहली बार स्पेस टेक कंपनियों को निवेश के लाने आमंत्रित कर रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रही कंपनियां उपग्रह चित्रण और डाटा एनालिटिक्स की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इन कंपनियों को उद्देश्य अंतरिक्ष में सुरक्षा को बढ़ाने हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आईटी सेक्टर की कंपनियों से भी संवाद और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश में गारमेंट इंडस्ट्री की संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री प्रमुख परिधान और वस्त्र कंपनियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को उद्घाटन कर रहे हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और विदेश एवं कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा समारोह में भाग ले हैं। समारोह में अनेक सांसद, प्रतिष्ठित हस्तियां, डिजाइनर, उद्योग प्रतिनिधि और निर्यातक, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और साथ ही देश भर से 1000 से अधिक बुनकर शामिल हुई हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पे उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और देश के सांस्कृतिक, पारंपरिक और आर्थिक परिदृश्य में उनके योगदान की सराहना करके हथकरघा उद्योग को प्रेरणा और गर्व की भावना प्रदान करने हैं। देवास में अखिल भारतीय उद्यमी सम्मेलन आयोजित करो जा रहा है। सम्मेलन में महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित 3 दिवसीय स्वयं सिद्धा इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2024 भी आयोजित करोगा है। ई आयोजन को उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हैं। ई समागम में 3000 से अधिक उद्यमी भाग ले रहे हैं। जी में लगभग 300 से ज्यादा अन्य प्रदेशों के हैं। सम्मेलन में 100 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के गोविंदपुरा स्थित मुख्यालय परिसर में आज पौधारोपण कर बिजली कंपनियों के परिसर में पौधे लगावे के अभियान को शुभारंभ करो। ये अवसर पर मुख्यमंत्री ने कही है कि मध्य प्रदेश प्रकृति के श्रृंगार, पर्यावरण की स्वच्छता व सुंदरता के लाने संकल्पित है एवं पौधारोपण के नए कीर्तिमान रच रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऊर्जा संरक्षण को संदेश देते हुए बिजली एवं विद्युत नामक 2 चित्रों को अनावरण भी करो। ऊर्जा मंत्री प्रघुम्न सिंह तोमर ने बताया है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में बिजली कंपनियों के परिसर में 1 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 की तारीखें घोषित कर दी हैं। हायर सेकेंडरी परीक्षा 25 फरवरी से शुरू हुई है और 25 मार्च को खत्म हुई है। उतना ही हाई स्कूल की परीक्षा 27 फरवरी को शुरू होकर 19 मार्च को खत्म हुई है। ये परीक्षाएं सवेरे 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई हैं। फिलहाल हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में बोर्ड ने इस सत्र में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की आधिकारिक संख्या घोषित नहीं करी है। बुंदेली समाचार भैया रोहित संपन्न होते हैं।